आतंकियों को किया गया ढेर। ये मुठभेड़ सुबह 5 बजे के आसपास हुई शुरू और इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ और एसओजी भी शामिल। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा कर दी गई है और ज्यादा सख्त। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी कर दिया गया बंद। नगरोटा एनकाउंटर पर पुलिस और सीआरपीएफ ने दी जानकारी। आतंकियों के पास से 11 AK-47 29 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से किया था हमला। पुलिस ने यह खुलासा किया है कि मुंबई हमले जैसी साजिश की फिराक में थे ये आतंकी। 200 से 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। प्रेस वार्ता में बोले आईजी मुकेश सिंह, बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे आतंकी। पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी खेप बरामद। जम्मू आईजी ने आतंकियों को सरेंडर करने का दिया के पहले दिया था मौका। सरेंडर करने से आतंकियों ने किया इनकार की फायरिंग। जी हिंदुस्तान के पास नगरोटा एनकाउंटर का एक्सक्लूसिव वीडियो। दिल्ली में गिरफ्तार जैश आतंकी के पास को लेकर बड़ा खुलासा। जैश आतंकियों की मदद कर रहा दिल्ली का एक शख्स, सूत्रों के हवाले से खबर। जैश मोहम्मद का दिल्ली कनेक्शन आया सामने। दोनों आतंकियों के मोबाइल फोन से हुआ खुलासा। व्हाट्सएप के जरिए जुड़े थे आतंकी लतीफ और अशरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला, 12 स्थानीय लोग जख्मी। 370 खत्म होने के बाद बौखलाए गुपकार गैंग का एक और विवादित बयान। पीडीपी नेता नईम अख्तर बोले, इंडिया में होते ट्रंप तो भारत माता की जय कहने पर धूल जाते सारे पार। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दी धमकी, कहा पैगंबर के सम्मान के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार है युवा। ईडी ने इकबाल मिर्ची पर कसा शिकंजा। ईडी ने आतंकी दाऊद इब्राहिम के साथी इकबाल मिर्ची की 500 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। कूचबिहार में बंद के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता पर किया लाठीचार्ज। कूचबिहार में कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी का बंद। कानून व्यवस्था पर राज्यपाल और ममता आमने सामने। ममता बोली, शांति भंग करने के लिए बाहर से आते हैं बदमाश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता सरकार पर बोला हमला। राज्यपाल ने राज्य में राजनीतिक हत्याएं होने का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे भारत प्रवास यात्रा। 100 दिन तक करेंगे देश भर का दौरा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर पर सर्वदलीय बैठक। सीएम केजरीवाल ने सभी दलों से मांगा सहयोग। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा यह समय राजनीति करने का नहीं है, सेवा का वक्त है। कोरोना के बाद केजरीवाल सरकार हुई सख्त। मास्क न पहनने पर 2000 जुर्माने का ऐलान। दिल्ली में कोरोना से मौतों का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 131 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के करीब 7500 नए केस सामने हैं। 62000 सैंपल की कराई गई जांच। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 585 मरीजों की गई जान। मरने वालों की संख्या 1,31,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45576 नए केस मिले हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 232,000 के पार। 2178 नए मरीज सामने आए। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पर गंभीर गहलोत। विभागों को सजग रहने और अस्पतालों में पूरे इंतजाम के निर्देश। राजस्थान में कोरोना के कारण एक बार फिर से बंद किए गए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा दुनिया का पसंदीदा वैश्विक निवेश डेस्टिनेशन बनेगा भारत। मालाबार युद्धाभ्यास का तीसरा दिन। दूसरे दिन INS विक्रमादित्य और यूएसए निमित्ज का हुए युद्धाभ्यास में शामिल। अब समंदर में भी ड्रैगन की हर चाल पर नजर रखेगा भारत। इंडियन नेवी को मिला पहला P-8I विमान। आवागमन के लिए खुला श्रीनगर ले हाईवे। भारी बर्फबारी के चलते शनिवार से ही हाईवे पर बस फंसे हुए थे सैकड़ों वाहन। आज विधि विधान के साथ बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। दोपहर 3:35 पर कपाट होंगे बंद। ऊखी मठ के ओंकेश्वर मंदिर पहुंची बाबा केदार की डोली। 6 महीने ऊखी मठ में ही होंगे केदार के दर्शन। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना आज। कोविड महामारी के चलते कई राज्यों ने सार्वजनिक छठ पर लगाई रोक। छठ के लिए सजे हुए हैं बाजार। खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइन का हो रहा है पालन। छठ महापर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन मुस्तैद। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में फिर बड़ा वायु प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। कुछ दिनों में दोबारा बिगड़ सकते हैं दिल्ली में प्रदूषण के हालात। दिल्ली पुलिस ने नीरज गुप्ता की हत्या का किया खुलासा। हत्या के आरोप में पुलिस ने नीरज की प्रेमिका फैजल और उसकी मां शाहीन और मंगेतर जुबेर को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मॉडल टाउन में बिजनेसमैन नीरज की हत्या। नीरज की चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह की शुरुआत। सीएम योगी ने किया समारोह का उद्घाटन। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे। 25 नवंबर को होगा समापन समारोह। योगी सरकार के शासन के दौरान यूपी में कम हुए अपराध। अखिलेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में हुई सबसे ज्यादा हत्या की घटना। उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का आज 3 दिवसीय यूपी दौरा। पौड़ी के एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे उद्घाटन। बागपत में नर्स के प्रेम जाल में फंसा मुस्लिम डॉक्टर ने महीनों किया रेप। प्रेग्नेंट हुई तो धर्म परिवर्तन और अबॉर्शन का बनाया दबाव। बुलंदशहर में बीच बाजार में
स्टंट करने वाला वीडियो वायरल, वायरल वीडियो में चलती कार में आतिशबाजी करने वाले नजर आए लोग। लखनऊ में जन्मदिन में जश्न मनाने में हवाई फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। यूपी में गाजियाबाद में खुलेआम फायरिंग करते हुए बदमाशों का वीडियो वायरल, बीएमडब्ल्यू कार में सवार होकर बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। बरेली में आंवला में मिले दो शव, पुलिस ने जताई सड़क हादसे में मौत की आशंका। फिरोजाबाद के कुंडला जंक्शन पर पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन, लूप लाइन पर हादसा होने से यातायात पर नहीं पड़ा फर्क। लखनऊ में जहरीली शराब पीने वालों का वीडियो आया सामने, देसी शराब के ठेके से खरीदी गई जहरीली शराब। पीलीभीत में कोतवाली दियोरिया के थानेदार का घूस मांगते ऑडियो वायरल, ऑडियो में डीएम और कप्तान को रिश्वत देने की बात। भोपाल में आज से फिर शुरू होगी बीजेपी की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा चुनावी मैनेजमेंट और संगठन को साधने का गणित। मंत्री उषा ठाकुर ने रवाना की टाइग्रेस ऑन द व्हील ऑन द ट्रेल बाइक रैली, 15 महिला बाइकर्स 25 नवंबर तक करेंगी 1500 किलोमीटर का सफर। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को मिली नई जिम्मेदारी, आचार समिति के अध्यक्ष बने सुशील कुमार मोदी। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने की इस्तीफे की पेशकश। मंत्री अशोक चौधरी ने संभाला भवन निर्माण विभाग का चार्ज, मंत्री मंगल पांडे ने भी संभाला स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार। बिहार के 3 जिलों में आग का तांडव, सहरसा में आग से करीब 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक। फारबिसगंज में हाउस के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट में लगी भीषण आग, दर्जनों ट्रांसफार्मर जलकर खाक। हाजीपुर में युवती को जिंदा जलाने के वाले आरोपी ने किया सरेंडर, एक आरोपी की पहले ही हो चुकी गिरफ्तारी। दुमका में बदमाशों के निशाने पर पत्थर, खादान संचालक बसंत सोरेन के नाम पर मांगी 40 लाख रुपए की रंगदारी। झारखंड के गुमला में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, गांव में 2 लड़कों पर आरोप। राजस्थान में सरकार गिराने वाले बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कटारिया के बयान पर किया पलटवार। गुर्जरों के बाद अब जाट आंदोलन की आंच, गुर्जरों ने महापंचायत में सरकार को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। प्रदेश में एसीबी का डबल एक्शन, बीकानेर में नोखा थाने में एएसआई का रिश्वत लेते हुए वो ट्रैप हुआ। कोटा में रिश्तों का कत्ल, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 दोस्तों को किया गिरफ्तार। शिरोमणि अकाली दल ने के ईवीएम वाले बयान पर गरमाई पंजाब की सियासत, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से ली संज्ञान लेने की अपील। हरियाणा के मार्टिन मलिक ने बनाया बॉक्सिंग में विश्व रिकॉर्ड, सोनीपत के मार्टिन ने 1 मिनट में लगाए 571 बॉक्सिंग पंच। अगस्त 2021 में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी भारतीय टीमें, दोनों टीमें खेलेंगी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा करने को राजी हुई इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों को 2 टी20 मुकाबलों में खेलना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके बाद सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि वो अपने रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आने वाले एपिसोड में उपलब्ध रहते हैं या नहीं। वरुण धवन और कियारा की फिल्म जुग जुग जियो का पहला लुक आया सामने। शाहरुख खान ने शुरू की अपनी फिल्म पठान की शूटिंग, शाहरुख का लुक हुआ लीक, सोशल मीडिया पर शाहरुख के फैंस ने जाहिर की खुशी। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने एयरपोर्ट पर मिल्खा सिंह को देख छू लिए उनके पैर, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं उर्वशी की तारीफ। सूरज पर मंगल भारी के साथ सिनेमा घर को नई फिल्में रिलीज करने का सिलसिला शुरू, सपोर्ट करने के लिए बेटी ईरा के साथ आमिर खान ने सिनेमा हॉल में देखी फिल्म। शहनाज गिल की बोल्ड तस्वीरें इंटरनेट पर हो रही वायरल, हॉट अवतार देख फैंस हुए हैरान। प्रियंका चोपड़ा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ब्रिटिश फैशन काउंसिल का एम्बेसडर नियुक्त। नोरा फतेही का समंदर किनारे ट्रांसपेरेंट ड्रेस में पोज देते वीडियो हुआ वायरल। करिश्मा तन्ना और आमिर अली की ने फेविकॉल सॉन्ग पर मचाया धमाल, वीडियो वायरल। बढ़ते भारत के प्रतिद्वंद्वी मानता है चीन और अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को बाधित करना चाहता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा, 95% तक असरदार वैक्सीन बनाने का किया है उन्होंने दावा। अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बोले बाइडेन, ट्रंप प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जितने देर में मिलेगी जिम्मेदारी कोरोना काबू करना उतना ही मुश्किल। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फिर तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना, मेयर ने स्कूलों को फिर से किया बंद। अमेरिका के जॉर्जिया में रिकाउंट के बीच ट्रंप समर्थकों ने किया प्रदर्शन, जो बाइडेन पर चुनाव में धांधली लगाया आरोप। निकारागुआ में हरिकेन आयोटा का कहर, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चल रही हवाएं। इटली के अनकोना शहर में सर्जरी के वक्त ऑपरेशन थिएटर में बजाया गया पियानो, 10 साल के बच्चे की हुई सर्जरी। अलग अलग आकारों और रंग के साथ नए अवतार में देखी बाबी डॉल, मार्केट में आए बाबी गुड़िया के 5 नए मॉडल। स्केटिंग बोर्ड के साथ स्टंट कर रहे युवक को दोस्तों ने दिया सहारा।
इस छोटे बच्चे ने जिद करके जूस को ग्लास में उड़ेलना चाहा, लेकिन जूस ग्लास में कम बाहर ज्यादा गया। विज्ञापन आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन ये कुछ खास है। देखिए किस तरह से 3D इमेजिंग के जरिए शानदार विज्ञापन तैयार किया गया है। चोर के पीछे पड़ गई पुलिस, लेकिन चोर इतना फुर्तीला कि दौड़कर दीवार पर चढ़ गया। खेल खेल में फाइट का ये वीडियो देखिए। दो टीम हॉकी खेल रही थी, इसी दौरान एक खिलाड़ी ने दूसरे पर हमला बोल दिया। जाको राको साइया मार सके ना कोई, अजगर के चंगुल से एक बिल्ली को किस तरह से लोगों ने बचाया ये वीडियो देखिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से एक शॉपिंग मॉल में परिजनों के साथ घूमने आई एक बच्ची का हाथ एस्केलेटर में फंस गया और बच्ची का फिर किया गया रेस्क्यू। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से देखते ही देखते एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया।
जी हिंदुस्तान अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।
एफएटीए से बचने के लिए पाकिस्तान का दिखावा, 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10.5 साल की सजा, संपत्ति भी जब्त करने का आदेश, लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला। मुंबई जैसे हमले की साजिश में थे नागरोटा में मारे गए जैश के 4 आतंकी, आतंकवादियों के पास से 11 AK-47, 29 हैंड ग्रेनेड भी शामिल, ट्रक को आतंकवादियों ने बनाया था बंकर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के काले धन के बना सुरक्षा, नागरों कटाक में पुलवामा में 3 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने की थी फायरिंग। गुप्कर गैंग को लेकर कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला, जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस का दोहरा रवैया, कांग्रेस अपनी स्थिति साफ करे, देश चाहता है जवाब। कोरोना पर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के बाद केजरीवाल सरकार सख्त, मास्क न लगाने वाले पर 2,000 रुपए का जुर्माना किया ऐलान, सभी दलों से मांगा सहयोग। प्रस्तुतकर्ता मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन इज गुड, प्रायोजक फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी और व्हाट करियर सूट्स यू, टेक एडुगाई करियर प्रिडिक्टिव टेस्ट, गेट टेस्टेड इन ecpgonline.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी, और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, हिंदुस्तान के दुश्मन के नाम से आ रही है। जी हां, हाफिज सईद को 10.5 साल की सजा का ऐलान किया है, या अपने दर्शकों को बता दें कि उसकी संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है। हाफिज सईद मोस्ट वांटेड, दुनिया भर की फोर्स उसको तलाशने में लगी है, हाफिज सईद की संपत्ति भी जब्त होगी। जमात उद दावा का प्रमुख है, लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, और इसके अलावा 4 आतंकियों को जेल सुनाई है। एफटीए से बचने के लिए पाकिस्तान में यह सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद की लगातार इस पूरे मामले को लेकर काफी दिन से तलाश थी, हिंदुस्तान भी लगातार इसको गिरफ्तार, अगर पाकिस्तान में होता है तो उसके बाद हिंदुस्तान इसे गिरफ्तार करने की बात करेगा। एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी खबर, जिस आतंकवादी को हिंदुस्तान काफी समय से तलाश रहा था, आखिरकार उसको 10.5 साल की सजा सुनाई गई, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो है कि ये खाली अभी लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला हुआ है, जजमेंट मिला है, हाफिज सईद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये मामला आगे खींचेगा, सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट हाफिज सईद में 2 महीना में 4 महीना में उसको बरी कर देगा। ये तो पाकिस्तान की पुरानी चाल है, आपको याद होगा कि हाफिज सईद को इसके पहले भी गिरफ्तार किया गया था 10 महीने के लिए, 10 महीने के बाद कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस हुआ कोर्ट में, हाफिज सईद छूट गया। जब जनरल मुशर्रफ कहता है कि हाफिज सईद ओसामा बिन लादेन हमारे राष्ट्र के हीरो हैं, जनरल मुशर्रफ कहता है कि हाफिज सईद हमारा नेशनल असेट है, तो नेशनल असेट और राष्ट्र के हीरो को कोई टच करेगा क्या? सिन्हा साहब आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे दो सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, हमारे साथ रोहित रंजन है और हमारे साथ लक्ष्मी है, दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से बने हैं। रोहित, सबसे पहले ये एक बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए भी है, चूंकि ये दहशतगर्द जिसको हिंदुस्तान की पुलिस को, हिंदुस्तान की सरकार को बहुत लंबे अरसे से तलाश थी, चाहे 26/11 मामला हो, दिल्ली धमाका हो या फिर पुलवामा हो, इस आतंकवादी का हर जगह हाथ था, आखिर 10.5 साल की सजा मिलने के बाद क्या हिंदुस्तान फिर से इसकी मांग करेगा? देखिए सरफराज, बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको पता है कि एफएटीएफ की लिस्ट में उसका नाम ग्रे लिस्ट में है, और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, इसको बिल्कुल ना दरकिनार करें, क्योंकि लक्ष्मी साहब जो कि बताते रहे, ये बिल्कुल सच्चाई है कि पाकिस्तान दरअसल उसी रुख से काम करता है जिससे उसको लगता है कि आंखों में किस तरह से धूल झोंका जा सके, और पाकिस्तान ने वही काम तो किया है। इससे पहले हाफिज सईद को जेल में रखा, इससे पहले लगातार अमेरिका दबाव बनाता रहा, उसके बावजूद भी दिखावे की कार्रवाई करता रहा, लक्ष्मी कुछ यही तो कर रहा है। बिल्कुल रोहित, देखिए एकदम कहा रोहित ने, सरफराज इस चीज को समझिए कि अगर 10.5 साल की सजा मिली है तो इसको ये मत मान लीजिए कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ये दिखावे का ढोंग पहले भी करता रहा, इस बार फिर कर रहा है, क्योंकि जाहिर है कि ग्रे सूची में एफएटीएफ में जा चुका है और ब्लैक सूची में जाने की बारी है। आपको याद होगा कि फरवरी में मीटिंग होनी है एफएटीएफ की, और ऐसे में ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए किया जा रहा है। लक्ष्मी, आपको रोकना चाहूंगा, पाकिस्तान से गुलाम अब्बास पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलाम अब्बास साहब, हाफिज सईद गिरफ्तार हो गया है, क्या खबर मिल रही है आपको, सजा हुई है उसे 10.5 साल की? जी
जी जी जी मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं, गिरफ्तार तो वो पहले से था और हाफिज सईद और जमात-उद-दावा के खिलाफ तकरीबन 41 केसेस हैं जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का है, उन्होंने रजिस्टर्ड किए थे, जिसमें से 24 केसेस का तो फैसला आ चुका है जिसमें हाफिज सईद को पहले ही सजाएं हो चुकी हैं। आज जो है वो दो केसेस थे टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, जिसकी केस नंबर 16-19 और 25-19, ये दो केसेस का जजमेंट आना था। लाहौर की एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो जज हैं अरशद हुसैन भुट्टा, उन्होंने इसका जो जजमेंट है वो जारी किया। तौर पे कहिए ना कि एक बार फिर से दिखावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई है, गिरफ्तार तो पहले से अमेरिका ने कर चुका है। पहली बात तो ये है, आपने पहली बात तो ये है कि मुझसे खबर पूछी, वो खबर मैंने बता दी। अब जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, आप दिखावा कहते रहे या जो मर्जी कहते रहे मेरे भाई, आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हम, आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में मौजूद है, ब्लैक लिस्ट में ना चले जाए, इस बात की चिंता है आपको? आप भारत को तो ये बड़े ख्वाब आते हैं, भारत तो चाहता है कि सुबह ही पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में हो जाए, कभी नहीं होगा। अब आपकी बारी है क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में होना क्या गर्व की बात हो गई क्या गुलाम अब्बास? ग्रे लिस्ट में होना क्या गर्व की बात हो गई क्या? छाती चौड़ा कर रहे हैं इसके लिए? अपनी फिक्र करें ना, सारे हमारे फिक्र छोड़ दीजिए, आप हमारे फिक्र छोड़ दीजिए, आपके हमारे फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए आपके मुल्क को आप कैसे संभालेंगे, हाफिज जैसे उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे ना आप, कर दिया है पाकिस्तान के गुलाम अब्बास साहब। हिंदुस्तान में जितने धमाके हुए, जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, हाफिज सईद का उनमें हाथ है, भारत की संसद से लेकर पुलवामा तक तमाम लोगों में उसका हाथ है। सिन्हा साहब एक महत्वपूर्ण सवाल सर, 70,000 लोग शहीद हुए हैं जिसमें भारत का हाथ है, भारत की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का हाथ है मेरे भाई, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। पेशावर के स्कूल के बच्चों को कत्ल करने में भारत का हाथ है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। गुलाम अब्बास जी फैक्ट जरा चेक कर लीजिए, मैं आ रही हूँ। एके सिन्हा साहब मेरे साथ, एसपी सिन्हा जी मेरे साथ जुड़े, एसपी सिन्हा साहब बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर। पहला सवाल मेरा, पाकिस्तान के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और लगातार हम देखते आ रहे हैं, और इस बार भी सिन्हा साहब मुझे लगता है कि ये उसी कड़ी में एक कदम उठाया गया है कि कोशिश ये की जा रही है कि देखिए दिखावे के लिए, चूंकि फरवरी में एफएटीएफ की रोहित बैठक होनी है और जाहिर है कि ब्लैक सूची में जाने से बचने के लिए सिन्हा साहब ये कदम दिखाया जा रहा है, या फिर कभी ऐसा होगा कि पाकिस्तान वाकई मंशा के साथ, सही मंशा के साथ आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कदम उठाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जिस पाकिस्तान की जो सेना है वो नपुंसक सेना है, वो लड़ नहीं सकती, वो सेना सिर्फ हारती है। 1947 से लेके अभी तक एक भी जंग पाकिस्तान सेना ने नहीं जीता है। मुझे ताज्जुब लगता है कि पाकिस्तान के इनकम टैक्स पेयर्स क्यों इनकम टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान आर्मी को जिंदा रखने के लिए। ये पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जिम्मेदारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए सेना की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पाकिस्तान के पत्रकार है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर को सुरक्षित रखना, समझना चाहिए पाकिस्तान की सेना ने ये अपना पाकिस्तान के हालात पर कुछ नहीं बोल रहे, वो गुंडों को दे रखा है। रोहित जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को 10.5 साल की सजा हुई है, क्या हिंदुस्तान सरकार उसको मांग करेगी हिंदुस्तान लाने की? साउथ ब्लॉक और सिर्फ पटेल भवन में। जीडी बख्शी साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? बख्शी साहब की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है सरफराज, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं इस वक्त गुलाम अब्बास से करना चाहती हूँ। गुलाम साहब, अगर आपको जानकारी हो तो हिंदुस्तान 26/11 के मामले में तमाम साक्ष्य इसके खिलाफ दे चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बिरयानी खिलाना नहीं छोड़ा और ये माना भी नहीं कि वाकई साक्ष्य उसके खिलाफ है और हिंदुस्तान के सपोर्ट इस आतंकवादी को कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि अब आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि आपको ग्रे सूची में बना रहना है, लेकिन ब्लैक से तो बचना ही होगा, इसीलिए ये दिखावा हो रहा है। अच्छा, मैं अब लक्ष्मी थोड़ी सी फैक्ट आप खुद चेक कर लीजिएगा कि जब बम्बई टेरर अटैक की आपने बात की थी ना, तो पाकिस्तान ने आपको कहा था, आपके हाई कमीशन को कहा था कि जो वहां पे आपने लोग गिरफ्तार किए हैं उनको, जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं पाकिस्तान की कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए उनसे बात करने की इजाजत दे ताकि हम इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इसका फैसला करें। आपको 21 नोटिस गए, आपने एक का जवाब नहीं दिया, आप तो सीरियस इतने थे, अगर आपके लोग मरे थे तो आप कम से कम इतना तो सीरियस
गुलाम अब्बास साहब, हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम ऑफिसर पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान लगातार अपना अपना रवैया बदलता रहा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना लीगली एक है एंगल के नहीं है। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग कोर्ट में नहीं होती हो सकती तो फिर कहाँ पे होती है मेरे भाई? आपकी अदालतों में होता होगा कि वन साइडेड लिख के दे दे उसके ऊपर फैसला हो जाता है। हमारी अदालतों में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। आपका डोजियर रखा गया था और आपको कहा था कि अब आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो वीडियो लिंक के जरिए जुड़ गए, हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं। आपने इजाजत ही नहीं दी। आपने 20 नोटिस का एक का भी जवाब ही नहीं दिया कि हमने आना है। सही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अभी भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि जो उस आतंकी हमले में प्लानिंग थी वो पाकिस्तान में रह के हुई। अरे कितने सबूत चाहिए, कितने सबूत चाहिए? झूठ झूठ झूठ, तभी तो सच मानिए। वांटेड टेरर, वो एफआईए, यही तो पैटिक करते हैं आप सोई को। अब वो एफआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट थी जिसमें हमने 12 वो लोग शामिल किए हुए जो अरेस्ट नहीं हुए, जो अभी भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। आखिरकार वो दिन आ गया जब पाकिस्तान को स्वीकार तो करना पड़ा दिखावे के लिए ही सही। हालांकि मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूँ की खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है सिन्हा साहब। एकदम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कार्रवाई हो रही है वो दिखाने के लिए हो रही है। लेकिन एक उपलब्धि तो ये मान के चलिए कि एक उपलब्धि की हुई कि पाकिस्तान अब मानता है कि हाफिज सईद आतंकी है। आतंकी है और उसके यहाँ पर रह रहा है, पल रहा है सर। चलिए सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों सहयोगी लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, बिहार से आ रही है, नीतीश कैबिनेट मंत्री से जुड़ी आ रही है। मेवलाल चौधरी को हटा दिया गया है कैबिनेट में, चूंकि अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही शपथ ली थी। मेवलाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, इसके बाद से उनको हटा दिया गया है। बिहार कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, मेवलाल को हटा दिया गया है। रोहित, इस बड़ी खबर पर बताइए। अपने दर्शकों को बता दें कि मेवालाल को भ्रष्टाचार के मामले में कई गंभीर मामले उनके ऊपर चल रहे थे। नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे मेवालाल, उनको फिलहाल हटा दिया गया है। 3 दिन पहले ही मंत्री बने थे और उसके बाद 3 दिन के बाद हट गए, यानी कि एक बड़ी बात है। रजनीश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, भ्रष्टाचार के मामले पहले तो थे, लेकिन क्या नीतीश सरकार को मालूम नहीं था जो 3 दिन के बाद हटा दिया गया? देखिए, जिस तरीके से पूरा मसला मामला है, जब से शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से विपक्ष हमलावर हो गया और लगातार सवाल उठाए जाते रहे। इसके अलावा एक आईजी अमिताभ दास ने भी एक पत्र डीजीपी के नाम लिखा था जिसमें कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। और महापुर में कृषि विश्वविद्यालय है, उस समय जब कुलपति रहते हुए जो नियुक्ति हुई थी उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और मामला जो है वो अभी भी विचाराधीन है और कोर्ट में है। अब लिहाजा जिस तरीके से यहाँ पे मंत्री बनाए गए थे इसको लेकर लगातार कटघरे में खड़े किए जाता रहा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी विपक्ष लगातार ये सवाल करती रही कि आखिर ये कौन सा सुशासन की बात कही जा रही है और जिसमें सारे जो आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार समेत तमाम कई सारे गंभीर आरोप है, फिर क्या कुछ शिक्षा मिलती है जो इन्हें शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अब बिल्कुल रजनीश, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी ताजा अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे और देखते हैं कि अगले शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, उसमें भी ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। सुबह से ही जी हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि नगरोटा एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से खबर आ रही थी उसके बाद से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान कनेक्शन का इन आतंकवादियों के बारे में खुलासा हो रहा है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान की दवाइयां भी मिली हैं। इसके अलावा कराची में बनी दवाइयों का जो पाकिस्तान का कसूर शहर है वहां पर जो दवाइयां बनी हैं उन पर ट्रेडमार्क था वो हमें दिख मिले थे। और सबसे बड़ी बात यह है, लगातार सुबह से ही जी हिंदुस्तान इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। तो
एक बार फिर से हम बिहार की खबर पर रुख करते हैं। नीतीश कैबिनेट से मेवलाल चौधरी को हटाया गया है। नीतीश कैबिनेट मंत्री में शिक्षा मंत्री थे मेवलाल और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनको हटा दिया है। 3 दिन पहले ही उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और 3 दिन के बाद चूंकि विपक्ष लगातार उसको घेर रहा था और उसके बाद उनको हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हिंदुस्तान पर मेवलाल पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप थे जिसके बाद उनको हटा दिया गया है। मनोज झा आरजेडी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मेवलाल चौधरी को भ्रष्टाचार के मामले में हटा दिया गया है? हटा दिया गया है या इस्तीफा दिया है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जनादेश ने नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन को, पूरे महागठबंधन को एक आदेश दिया था कि आप अगर आंकड़ा देखें और आंकड़े के बीच में संदेश देखें, वो स्पष्ट था कि इस तरह की कोई भी नियुक्ति हो या रोजगार का मामला हो, शिक्षा स्वास्थ्य का मामला हो, हम इस तरह की कुनीति वाली सरकार को विवश कर देंगे और उसकी आज शुरुआत हुई है। अभी आगे देखिए आगे आगे क्या होगा। मनोज जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो नीतीश सरकार ने इन्हें कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया? इतना बड़ा ओहदा उनको दिया शिक्षा मंत्रालय का और लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा, उसके बाद इनको हटाना पड़ा, तो काफी फजिया शुरू हो गई है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ कि इनके बारे में जानना हो तो हमारे तो महामहिम देश के हैं जो उस वक्त बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरियां रही हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मजबूरियों में ही ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी मजबूरियों को समझना मैं समझता हूँ तिलिस्म की तरह है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जनादेश के बीच के संदेश को अभी भी वो समझ नहीं पा रहे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में छीन ली शिक्षा मंत्री की कुर्सी, जी हिंदुस्तान पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे मनोज जी ने भी कहा कि लगातार वो सरकार को घेरने की कोशिश करते रहेंगे और आगे भी, अभी तो ये शुरुआत है रजनीश कहा, और जिस तरीके से रजनीश ने भी बताया कि लगातार उनके ऊपर कई गंभीर आरोप थे और विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था और आखिरकार उसका असर देखने को यह मिला कि उनको पद से हटा दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, इस पर बैठकों का दौर शुरू होगा और उसके बाद उसका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे जिसके बाद उनको हटा दिया गया। शिक्षा मंत्री थे मेवलाल चौधरी जिनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। बहुत बड़ी खबर, जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार गोलीबारी जारी है। नगरोटा एनकाउंटर की खबर सबसे पहले हमने दिखाई। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू में इस वक्त नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। एनकाउंटर की तस्वीरें सबसे पहले हमने दिखाई। नरगोटा टोल प्लाजा पर मुठभेड़ की जी हिंदुस्तान पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। 4 आतंकियों को अब मार गिराया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हथियारों की तस्वीरें सबसे पहले हमने दिखाई। एक्सक्लूसिव खबर जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर है, इनके पास से ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हमारे पीछे पीछे चले बाकी सारे चैनल। इस तरीके से सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने इस खबर को ब्रेक किया था, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जी हिंदुस्तान ने बताया था। खबरों में सबसे आगे जी हिंदुस्तान। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपने पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। छठी मैया के आंचल में नए बिहार की नई बहार। गंगा के सजे धजे घाटों पर उम्मीदों का नया सूर्योदय। माँ की गोद और प्रकृति के संगम का अनूठा उत्सव छठ की छटा, व्रती का तप
और दिल से निकलेगी। आस्था की हर तस्वीर मैं माधुरी कलाल आपको दिखाऊंगी। छठ महापर्व की महा कवरेज सिर्फ जी हिंदुस्तान पर। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। जी हिंदुस्तान अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपने पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करें क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। सोच मिट्टी में पनपती है, धूप में पकती है, इस पर धूल भी जम जाती है, लेकिन बारिश में धुल भी जाती है। मैंने देश को लाइब्रेरी में नहीं पढ़ा है, मैंने हिंदुस्तान की आंखों में झांका है। और इतनी बात समझ जाइए कि अगर आपको देश की नब्ज पकड़नी है ना, तो फिर धड़कन खुद के दिल में होनी चाहिए। देश राजनीति के पिंजरे से बहुत बड़ा है, ये ठीक वैसी ही भावना है जैसे आपकी और मेरी। FATA से बचने के लिए पाकिस्तान का दिखावा। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10.5 साल की सजा। सजा के बाद हाफिज सईद की संपत्ति जब्त करने का आदेश, लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का काल बने सुरक्षा बल नागरो टैग के बाद पुलवामा में 3 आतंकवादियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के नारगोरा में आतंकवादियों ने सेना को मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया, सेना के 4 आतंकवादियों को किया ढेर। जम्मू के IG ने आतंकियों को सरेंडर करने का पहला दिया था आदेश, मौका, लेकिन सरेंडर करने से आतंकवादियों ने किया था इनकार की फायरिंग। सी हिंदुस्तान के पास नागरोटा एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव वीडियो। कूचबिहार में कार्यकर्ता की हत्या के बाद BJP बंद, कानून व्यवस्था पर राज्यपाल और ममता बनर्जी आमने सामने। ममता बोली, शांति भंग के लिए बाहर से आते हैं बदमाश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता सरकार पर बोला हमला, राज्यपाल ने राज्य में राजनीतिक हत्याएं होने का लगाया गंभीर आरोप। BJP अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे भारत प्रवास यात्रा, 100 दिन तक करेंगे देश भर का दौरा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर पर सर्वदलीय बैठक, सीएम केजरीवाल ने सभी दलों से मांगा सहयोग, बाजार बंद करने का कांग्रेस ने कहा। कोरोना का लेकर केजरीवाल सरकार सख्त, मास्क न लगाने पर ₹2,000 का जुर्माना। आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार गोलीबारी जारी है। नरगोडा एनकाउंटर की खबर सबसे पहले हमने दिखाई। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू में इस वक्त नारगोटा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है।
काउंटर की तस्वीरें सबसे पहले हमने दिखाई। नरगोटा टोल प्लाजा पर मुठभेड़ की जी हिंदुस्तान पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। चार आतंकियों को अब मार गिराया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हथियारों की तस्वीरें सबसे पहले हमने दिखाई। एक्सक्लूसिव खबर जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर है, इनके पास से ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हमारे पीछे पीछे चले बाकी सारे चैनल। इस तरीके से सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने इस खबर को ब्रेक किया था, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जी हिंदुस्तान ने बताया था। खबरों में सबसे आगे जी हिंदुस्तान। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपने पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करें क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखें 24 घंटे अपनी नजर। सोच मिट्टी में पनपती है, धूप में पकती है, इस पर धूल भी जम जाती है, लेकिन बारिश में धुल भी जाती है। मैंने देश को लाइब्रेरी में नहीं पढ़ा है, मैंने हिंदुस्तान की आंखों में झांका है। और इतनी बात समझ जाइए कि अगर आपको देश की नब्ज पकड़नी है ना, तो फिर धड़कन खुद के दिल में होनी चाहिए। देश राजनीति के पिंजरे से बहुत बड़ा है, ये ठीक वैसी ही भावना है जैसे आपके और मेरी रगों में बहता खून। वही संस्कार है, वही सरोकार है। आप जैसे आप, हम जैसे हम, फिर भी वंदे मातरम। आतंकिस्तान की 1911 साजिश नाकाम। दिल्ली से लेकर जम्मू तक आतंकियों पर डबल अटैक, देखिए शाम 5 बजे मेरे साथ। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपने पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।